लो भाई जलेबी खा। ललन मिठाई वाले से लाए। कमाल, कितना खाएंगे? इनकी तो क्लास लेनी पड़ेगी। डैडी, मान लो अगर कोई लड़का हमें छेड़े या परेशान करे तो आप क्या करोगे? पहली बात तो कोई बेवकूफी होगा जो तुम्हें छेड़ेगा, और अगर छेड़ दिया तो हम उसको उड़ा देंगे। हम नहीं देख सकते कि हमारी बेटियों को कोई परेशान करे। पापा, ऐसे कैसे उड़ा देंगे? हाँ, बंदूक तो है नहीं आपके पास। बस उड़ा देंगे उड़ा देंगे। हाँ तो ठीक है, हमारी काजल बिटिया जो है ना, उन लौंडों को धो डालेगी। ये लोग बात क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। अरे तुम लोग चिंता मत करो, पूरे बनारस में किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी बेटू की तरफ आंख उड़ा कर भी देखा है। लेकिन डैडी, अगर किसी ने गिरी हुई आंखों से देखा तो? अर्जुन, हमको कोई छेड़ेगा तो? पानी पी ले। एजी, सोचे कोई हमें भी छेड़ दे तो? तुम्हें तो वो शांति तेरा नहीं बचा सकता। एक बात बताओ, तुम लोग हमें क्या कोई लल्लू समझते हो? अरे एक एक को धो डालेंगे बिना साबुन की टिकिया के। बात करती हो ना बापू, मारा तो विश्वास ना बैठ रहा है इन खाली दलीलों में। फूल के ना कप्पा हो गया कप्पा। हाँ, उठा तो जाता नहीं है थारे से, अपनी जगह से देख। ठीक तो है, थोड़ा सा तो पेट है, बाकी तो हम तो भी सब ताने मारते हैं। कहते का बिना पूरा देना इनको चटर पटर खाने देती रहती हो। हाँ, ये सब तो हेल्दी है। अच्छा। मम्मी, आप तो कुछ बोलो ही मत, खुद का वेट देखा है आपने? सब लोग हमको स्कूल में चिढ़ाते हैं, कहते हैं ये देखो साइकिल और टेम्पो के टायर की मिली भगत आ गई। लाइफ में कुछ हो या ना हो, बट फिट एंड फाइन रहना बहुत जरूरी है। देखो, फाइन तो हम पहले से ही हैं, फिट हम अंदर से महसूस करते हैं। लेकिन फिट दिखते नहीं ना डारी आप। आपको भी ना सलमान और ऋतिक की तरह सिक्स पैक बनाने चाहिए, ताकि आप और भी यंग, हैंडसम और स्ट्रांग बन सको, समझे आप? और मम्मी को ना साइज जीरो बनाना चाहिए, ताकि वो और भी यंग और ब्यूटीफुल दिख सके। अरे लेकिन ये उम्र में हमको और हैंडसम और यंग दिखने की क्या जरूरत है? ठीक है, अयो दादा, हम घर का काम करेंगे कि दीपिका बनेंगे हैं? हाँ, बराबर। कल से इन्हें वर्जिश करानी पड़ेगी। आप दोनों को पानीपुरी तो पसंद है ना? पानी पूरी? अरे हम तो बिना पूरी के पानी पी जाते हैं फ्री में। वेरी गुड, तो कल ना 4:30 बजे रेडी रहिएगा। शाम को ना? ना ना, सुबह। अरे कौन है जो सुबह सुबह हमारी नींद स्वाहा कर रहा है? मम्मी, पापा, उठो। अरे क्या हुआ बच्चों, 4:30 बजे है। दरवाजा खोलो मम्मी पापा। उठो 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 उठो। अरे बेटा, ऐसे सीने पे चढ़ जाओगी तो तुम्हारे पापा सच में उड़ जाएंगे। उठो ना पापा। अरे कहा उठो उठो, सुबह सुबह कहा लगा रखे हो, कहा चाहिए तुम लोगों को? चलो चलो चलो। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा करो तुम लोग चलो, हम 2 घंटे के बाद आते हैं। कहा है ये सब, सुबह कहाँ ले जा रहे हो? अरे नींद में उठा के तुम लोग चढ़ के एकदम कहाँ ले जा रहे हो सुबह सुबह? क्या अरे ये तो गोल गप्पे वाला है।
अभी तो हम ब्रश भी नहीं किए हैं भैया। के बापू, खुली आंखों से सपना देखा है के? नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नाम कद्दूकली। नमस्कार बहन और भाइयों, अरे ये कोई बीना का कोई गीतमाला पेश करने वाला है क्या? मम्मा, आप कब गीतमाला पेश करोगे? अभी अभी तो डैडी ने बोला बीना का गीतमाला पेश करोगे। उफ डैडी, कितना झूठ बोलते हो। अपने अरे ये अनारकली नहीं, क्या अपना कद्दू क्या नाम है, ये है कौन? डैडी, ये है हमारे फेमस डाइटिशियन जिनको मैंने बुलाया है। इनके फिटनेस सेंटर का नाम दुनिया भर में फेमस नहीं है लेकिन हो जाएगा। हमें लोग प्यार से बापू बुलाते हैं, बाइसेप्स एब्स पॉलिशिंग उस्ताद। ये ना आपकी चर्बी यू दूर कर देंगे, यू। आपको दीपिका जैसे साइज 0 और पापा आपको रणवीर जैसे 6 पैक देंगे। अरे लेकिन हमारा इतना पेट से कुछ बाहर भी नहीं है। ए भैया, अब सच में हमको दीपिका बना देंगे। एकदम सफेद भूतनी। डोंट वरी सर, आप एकदम सुरक्षित हाथों में है। अरे वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन ये तो बताइए, आपका ये इतना मुश्किल नाम कद्दू कली ना, एक पढ़ा कैसे? सर मेरे बाप का नाम था कद्दू और माँ का नाम कली। कली को बना दू कद्दू और आप जैसे कद्दू को कली। नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं बना भैया, हमको नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। ये अपने कपड़े पकड़ो और जाओ, इसे पहन के आओ, जाओ। क्या करना? ये है डाइट प्लान आपके और सिर्फ आपके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज से आप लोग वही खाएंगे जो मैं बताऊंगा। नो मोर मसाला, नो मोर बटर। सुबह 5 बजे जॉगिंग, 7 बजे योगा, और 9 बजे जिम, और फिर पिलाटिस। नहीं, एक आप पायलट, क्या पायलट क्या क्या बोले, हम पायलट नहीं है। पिलाटिस वर्जिश का नाम है सर, वर्जिश का। अरे पापा, ये पीटी और योगा का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा भैया, लात घूसा जो मारना है मार लो, जो करवाना है करवा लो, लेकिन इनको रणवीर और हमको दीपिका बना दो बस। श्योर बीना जी और आनंद जी, आज से आप लोगों का खाना अलग अलग होगा और आपकी ये डाइट पूरे 2 महीने चलेगी। 2 महीना के बाद मैं नया डाइट पेश करूं। अयो दद्दा, तू महीना फिर से पेश करेंगे? अरे बाप रे, अब कितना पेश करना बाकी होगा 2 महीना तक का तो? डोंट वरी सर, आपके वजन पे हम काबू पा लेंगे। अरे हमारा तो काबू है हम पर, जिसका अपने पेट पे काबू नहीं है वो हमें क्या फिट बनाएगा। अरे राम, क्यों नारी चिल्लाती कितना कान में, बोलो क्या बात है? देखा क्या डाइटिशियन ढूंढा है मैंने। हाँ बेटा, तुमसे तो हमको यही उम्मीद थी। हे भगवान, कितना मजा लोगे हमारा, लगता है इस बार भी बैंड हमारा ही बजेगा। लाइट नाक को बंद कीजिए। कर दिया। आनंद जी ऐसे नहीं, ऐसे हमको आदत। हाँ ठीक है ठीक, ऐसा ऐसा है। दूसरी से सांस लीजिए, सांस छोड़िए, वेरी गुड। अब दूसरी को बंद कीजिए और सांस छोड़िए। लेकिन काजल, मेरी तो बस एक ही नाक है यार। स्वीटी, तू एक काम कर, अपनी नाक नहीं अपना मुंह बंद कर ले। ठीक है। अरे हमारी तो सांस ही बंद हो गई। अरे सर छोड़ दीजिए। नाक से बोला था पापा। अरे अब इतना देर बंद किया तो कहां से लीक हो गया, मालूम नहीं पड़ा। जी, हाँ? कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि आप में स्वीटी से भी कम अकल है।
तुम सुबह सुबह वॉक पे नहीं जाती हो, बस इधर ही देखते रहना है। आनंद जी, बीना जी, अब हम मोर आसन करेंगे। मोर? अच्छा, वो जंगल वाला? बापू वाह, थारे पड़ा यो आसन घना सूट करे से। अब देख, तू भी रंगीला, मोर भी रंगीला। अब सर, अपना हाथ फोल्ड कीजिए ऐसे, और फ्लोर पे लेट जाइए। फ्लोर पे लेट गए? उल्टे लेट जाइए। ऐसा? ऐसा पेट पे आना है? हाँ सर। तो काहे नहीं बोले? तो पेट कम होगा ना। हाँ। ऐसा आनंद जी, ऐसे फोल्ड नहीं करना, ऐसे नहीं यार, ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे उल्टा कर दिया उल्टा। सर घुटनों को उठाइए। घुटनों को हवा में उठाओ ना। उठाया भी उठाइए सर, पूरा उठाइए। संभल के बहनों और भाइयों, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। यहाँ तो हमारा परिवार हमारी बलि चढ़ाने को तैयार है। तो सारी हो गया नहीं। वैसे कद्दू कली सर, आपने ये आसन कभी किया है? नहीं, मैं सिर्फ शवासन करता हूँ। अच्छा अच्छा। आज के लिए सिर्फ ये लाइट वाली एक्सरसाइज थी। अरे वाह, अब एक हफ्ते की छुट्टी है ना, चल चल निकलते हैं। एक मिनट। भारी वाली एक्सरसाइज हम कल से करेंगे। अरे निचोड़ लो। वाह मम्मी। ए बापू उठ। तुम्हारी अर्थी उठेगी यहाँ से। ए जी, शुभ शुभ बोलिए, मरे आपके दुश्मन। अरे मम्मी पापा चलो अब उठ जाओ, खाना खा लो। हाँ, खाना आ गया। ए उठ जा, उठ जा। अरे बेटा, ये शरबत जरूरत बाद में पियेंगे, पहले खाना दे दो ना हमको। नहीं डैडी, शरबत नहीं, यही खाना है। ये खाना है? अरे खा दे दी। आयो दादा। पता नहीं किस पाप की सजा दे रहे हैं लोग। पैदा करने की? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमको तो बहुत तेज भूख लगी है। हमको भी बहुत जोर से भूख लगी है। ऐसा करते हैं, किचन में जाते हैं और कुछ खा लेते हैं। ये प्रोटीन खा खा के हमारा पेट और दिमाग दोनों खराब हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए चले। हाँ चलो। चोर 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 चोर। अरे ये तो आप ही हैं जी। खा नहीं दिया तुम? खा खा, मिला कुछ?
घास फूस। लगता है जीवन भर हमको बस अभी है बिना मसाले के खाना मिलेगा, कभी अच्छा खाना खाने को नहीं मिलेगा हमको। ये सब सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब तुम्हारी वजह से। बस दिन भर पर प्लेट भर भर के खाते रहती हो तुम। कचब हमरी वजह से। अरे चिंगार चिंगार के पूरा दिन कौन बोलता है, ए बिना समोसा बनाओ, ए बिना जलेबी बनाओ। अगर आप सही खाना खाते ना तो आज हमरी हालत नहीं होती। अच्छा पतीला उठा के मारेंगे तुम्हारे साथ। अयो दत्ता मारिए मारिए ना पतीला हमारे सिर पे, हम पर लोग सिधार जाएंगे। कम से कम वहां तो हमको पेट भर के खाना मिलेगा, बस यह दिन देखना बाकी रह गया था। यो दत्ता ए खबरदार, जैसे मारा तो हाँ, वैसे ही भूत लोग में राशन बहुत कम है, ये वहां पर आ जाएंगी तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हाँ तुम जरा चुप रहोगी, जरा हमारा घर बर्बाद मत होने दो, प्लीज बचा लो हमको। कुछ भी चमक 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 कर। रेडी स्टेडी गो बहना भाइयों। ताऊ 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 सिटी 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 बजा। पप्पू जगह पे ना दौड़ना है, मैदान में दौड़, मैदान में। अरे ये भी तो मैदान है, हम बहुत कंफर्टेबल है यहाँ पे ऐसे हैं। औलादे पैदा किए हैं, औलाद के पीछे कुत्ते छोड़ दिए हैं। पहले रोटी कपड़ा मकान के लिए जिंदगी भर भागो, उसके बाद खुद को बचाने के लिए कुत्तों से भागो। बात छोटी, क्या ट्रिक निकाली है, अब हमारे मम्मी पापा एकदम फिट एंड फाइन हो जाएंगे। औलादे पैदा किए हैं, औलाद के पीछे कुत्ते छोड़ दिए हैं। पहले रोटी कपड़ा मकान के लिए जिंदगी भर भागो, उसके बाद खुद को बचाने के लिए कुत्तों से भागो। बात छोटी, क्या ट्रिक निकाली है, अब हमारे मम्मी पापा एकदम फिट एंड फाइन हो जाएंगे। ताऊ, ओ ताऊ, तू अखाड़ा क्यों नहीं खोल लेता है? लोग ना ज्यादा फिट हो जाएंगे वहां पर, और थारे जैसे खड़े मानुष के लिए जिसने दंगल तक में ट्रेनिंग दी से, उसके लिए तो अखाड़ा ही बेस्ट से हो। पानी दे पानी, गला सूख के रेगिस्तान हो गया। आनंद जी सॉरी, आज आपके लिए नो खाना नो पानी है, पर आप ये ताजी हवा खा सकते हैं बहनों भाइयों। इसके कितने भाई और बहनों हैं, सबको पानी पिला पिला के मारूंगा। है अरे बाप रे बापू, अरे अरे काहे हो दाग, हो गया हो गया हमारा, हो गया। चल बापू दाग लगा के है इशारा, वेरी गुड बापू, बस गुड लास्ट टाइम और लगाना है। अरे थोड़ा बजट होता तो स्ट्रेचर ले लेते। पापा आप तो मम्मी लग रहे हो। क्या हम इतने मोटे हो गए हैं? अरे छोटी आपको इजिप्ट वाली मम्मी बोल रही है। लेकिन मम्मी तो ये है, ये डैडी है ना। अरे इसको कुछ चुप कराओ। इतना अच्छा प्लान बनाया था वो भी फ्लॉप कर दिया। हाँ बाहर वाले तो मान ही नहीं रहे कि ये हमारे माँ बाप हैं। हाँ पूरे जमाने के आगे मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा इन्होंने हमें। देखा यहाँ हमारा मुंह टूटा पड़ा है और इनको मुंह दिखाने की पड़ी है। अरे यार एक महीना दे दो इनको,
ठीक हो जाएंगे, तब तक जो खाना है खाओ। लेकिन हमको बड़ा अफसोस हो रहा है, हम अपने बच्चों की मनोकामना पूरी नहीं कर पाए। क्या करें, इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे। छोटी बेटा, जरा थोड़े से समोसे और जलेबी तो ले आना। हाँ बापू, तारे को जो खाना है सब खा, एक महीने के लिए समोसे जलेबी जो भी खाना ना सब खा ले। लेकिन इस बार ना थारे को डाइटिशियन के पास ना, हम ना थारे को हनुमान अखाड़े लेकर जाएंगे। खुद उस्ताद जी ने गारंटी ली है कि थारे को रणवीर तो का उसका बाप बना देंगे।